हेलो ऑल ऑफ यू, आई जय भारत शर्मा आप लोगों के लिए डाटाबेस पर अपनी फोर्थ वीडियो लेके आया हूँ। इससे प्रीवियस वीडियो मैंने आपको रिगार्डिंग कीज इन डीबीएमएस दी गया था आपके सामने। अब मैं आप लोगों के सामने जो नए टॉपिक वीडियो लेके आ रहा हूँ वो है डाटा टाइप्स इन आरडीबीएमएस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डाटा टाइप? एज वी हैव टू नो दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा टाइप। डाटा टाइप का एग्जैक्टली रोल क्या है वो मैं आपके सामने इमेज क्लियर करना चाहता हूँ, और वो इमेज क्लियर होने के बाद ही आपके लिए बहुत इजी हो पाएगा किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर तैयार करना। किसी भी टेबल के जो फील्ड्स तैयार किए जाते हैं, उस टेबल का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, उस समय जो फील्ड बनाई जाती है उस फील्ड में कौन सी वैल्यू, कैसी वैल्यू इंसर्ट होगी, ये निर्भर करता है डाटा टाइप आपने उसका क्या चूज किया है। सो व्हाट इज डाटा टाइप? डाटा टाइप आर यूज टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डाटा, मीन्स वैल्यू वी आर गोइंग टू स्टोर इन द डाटा बेस। और फरमाएगा विच टाइप ऑफ डाटा मीन्स वैल्यू वी आर गोइंग टू स्टोर इन द डाटा बेस। फील्ड्स देमसेल्फ कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग ऑन द डाटा दे कंटेन। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें इमेज क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे हम टेबल क्रिएट करते हैं तो हम टेबल में फील्ड बनाते हैं, और फील्ड जब बनाते हैं तो हमें सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि वो फील्ड किस टाइप के डाटा को एक्सेप्ट करेगा। अगर उस फील्ड में आपको न्यूमरिक वैल्यू डालनी है, मतलब 1, 2, 3, 4 वाली वैल्यू डालनी है, अल्फ़ाबेट्स डालने हैं, आप उसमें डेट एंटर करनी है, अगर आपका टेक्स्ट बहुत बड़े साइज़ का है ये एंटर करना है, या आपको उसको बाइनरी येस और नो में चाहिए आपको आंसर, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग ऑफ द टेबल। सो यही चीज़ बता रही है, वेन एवर यू आर क्रिएटिंग एनी फील्ड यू हैव टू डिसाइड विच टाइप ऑफ डाटा टाइप इट इज़। उस फील्ड का डाटा टाइप क्या है वो आपको समय ही निर्भर डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद जब रिकॉर्ड इंसर्ट किया जाएगा तो वो रिकॉर्ड इंसर्ट होगा ऑन द बेस्ड ऑफ द डाटा टाइप विच यू हैव डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द टेबल। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट डाटा टाइप इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी इज न्यूमरिक टाइप्स, सेकेंड इज अल्फा न्यूमरिक टाइप्स, थर्ड इज बाइनरी टाइप, fourth is date time, and other is other variable types. So but in this right now we are concerned with 4 main types, that is numeric, alphanumeric, binary type and date time. Maine aapko aur explain karni detail bataya next mein. Now aapke samne kitne type of data type SQL mein basically use hote hain, because whatever the database we are using in which the SQL is the basic platform. तो बेसिकली SQL किन किन टाइप के डाटा टाइप्स को स्टोर करता है और हम किन के बारे में पढ़ने वाले, मैं आपको पूरी कैटेगरी इस चार्ट के थ्रू समझाना चाहता हूँ। अगर SQL के डाटा टाइप की बात करें तो हम देखेंगे यहाँ पे इसको बेसिकली 6 कैटेगरी में डिसाइड किया गया है। पूरा मेन कैटेगरी की बात हो रही है यहाँ पे। न्यूमरिक की बात करें तो न्यूमरिक के अंदर बिट, टाइनी इंट, स्मॉल इंट, इंट, ये इंट क्या है, इंटीजर है, बिग इंट, डेसिमल, न्यूमरिक, फ्लोट, रियल। दूसरी बात करें डेट और टाइम की, डेट टाइम, टाइम स्टैम, ईयर। करेक्टर स्ट्रिंग की बात करें, कैर, वेर कैर, वेर कैर मैक्सिमम एंड टेक्स्ट। फिर बात करें यूनिकोड करेक्टर स्ट्रिंग्स की बात करें तो एन वेर कैर, वी एन वेर कैर, एन वेर कैर, एन वेर कैर मैक्स एंड टेक्स्ट। बाइनरी की बात करें तो बाइनरी, वेयर बाइनरी, वेयर बाइनरी मैक्स, इमेज। मिसलेनियस की बात करें तो क्लॉब, ब्लॉब, XML, JSON। सो दीज आर द बेसिकली डाटा टाइप्स। कई वर्ड आपको नए नए सुन रहे लग रहे होंगे, लेकिन आपको इस पार्ट में कोई घबराने की जरूरत नहीं, बिकॉज वेन एवर यू आर क्रिएटिंग द टेबल एट दैट टाइम ऑल द टूल्स विच वट एवर द टूल विच वी आर यूजिंग फॉर क्रिएटिंग द डाटा बेस एंड वैन वी आर क्रिएटिंग द टेबल इन द डाटा बेस इट प्रोवाइड यू द फुल सपोर्ट फॉर दैट, बिकॉज वो आपकी मदद वहीं कर देगा कि आप किस टाइप के डाटा टाइप स्टोर करना चाहते हैं, आपको सजेशन खुद ही प्रोवाइड कराएगा। बट वी शुड नो दैट It is our ability to decide what type of data we want to store in the particular field. ये हमें decide करना पड़ेगा. So, move to the next one. Yes, move to the सबसे main part में move करते हैं हम लोग, और यहाँ मैं आपको एक इस वे में explain करना चाहता हूँ कि numeric type क्या है. So, numeric data types are used for describing numeric values for the field used in the table of a database. उन फील्ड्स की बात करें जिनको न्यूमरिक वैल्यूज से डिस्क्राइब किया जाता है, उनके लिए न्यूमरिक डाटा टाइप यूज़ किया जाता है।
न्यूमरिक डाटा टाइप इन अ डाटाबेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन. अब किस तरह की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए डाटा टाइप का यूज किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको डिसाइड करना. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू स्टोर द मोबाइल नंबर, तो उसके लिए मुझे न्यूमरिक डाटा टाइप यूज करना पड़ेगा. आई वॉन्ट टू स्टोर अ रोल नंबर, फॉर दैट आई विल यूज अ न्यूमरिक डाटा टाइप. फॉर डोर नंबर न्यूमरिक डाटा टाइप, ईयर ऑफ स्कूल एडमिशन न्यूमरिक डाटा टाइप, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट न्यूमरिक डाटा टाइप, statistical values numeric data type. The different type of numeric data types are available listed below. So why this I want to explain you basically है क्या. So सबसे पहले category देखते हैं, हमने boolean दिया है. boolean हमारे पास दो types से होता है, या तो yes or no, yes मतलब one और no मतलब zero. So इसे हम कहते हैं true और false भी कहते हैं एक तरह से. boolean सबसे पहला numeric data type है जिसकी value either one zero or one लेता है. अगर present है तो one, absent है तो zero. So अगर हम ऐसे फील्ड बना रहा हूँ प्रेजेंट एब्सेंट के, और उसके अंदर मैं यदि बूलियन डाटा टाइप यूज़ करता हूँ तो या तो येस आएगा या नो आएगा, दो ही वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है. टाइनी इंट की बात करो, टाइनी इंट को कहते हैं टाइनी इंटीजर कहा जाता है. ये कुल मिलाकर के आपको इंटीजर तो पता है जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप की वैल्यूज आती है, लेकिन कुल मिला के आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी रेंज को ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग इन द डेप्थ लेवल ऑफ द डाटाबेस. बट यू शुड नो दैट अमाउट व्हाट टाइप ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स दे कैन एक्सेप्टेड. तो टाइनी इंट की बात करें तो टाइनी इंटीजर कहा जाता है स्टोर इंटीजर रेंज बिटवीन 0 to 255. इनकी इतनी इंटीजर रेंज होती है. इसकी स्मॉल इंटीजर की बात करें, स्मॉल इंट कहा जाता है, कैपिटल में लिखने का तरीका अलग है, डाटा टाइप का डिस्क्रिप्शन अलग है. स्टोर द शॉर्ट रेंज बिटवीन -2 to the power 15 to +2 to the power 15 -1. वैसे इंटीजर की बात करें, स्टोर द इंटीजर रेंज बिटवीन -2 to the power 31 to +2 to the power 31 -1. सो नेक्स्ट है बिग इंट की बात करें, बिग इंटीजर की बात करें रेंज बिटवीन -2 to the power 63 to +2 to the power 63 -1. डेसिमल की बात करें, मैक्सिमम प्रिसिशन ऑफ ई की पावर +-2 to the power 231. सो वेयर इज द न्यूमेरिक और डेसिमल, दोनों का प्रिसिशन कंसेप्ट ये होता है. रियल की बात करें तो -2 to the power, ये रेंज वी आर नॉट कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन, बट आपको तो पता होना चाहिए वट इज द रियल. आपने पढ़ा होगा रियल नंबर मैथ में, अगर उन रियल नंबर की वैल्यू सेट करनी है, फ्लोट नंबर्स, डबल नंबर्स, वैन यू वॉन्ट टू स्टोर द परसेंटेज, इन दैट केस यू हैव टू यूज द फ्लोट फॉर यू फॉर स्टोरिंग द मनी ट्रांजेक्शन ऑल डिटेल्स. यू हैव टू यूज द फ्लोट बिकॉज यू हैव टू शो द रुपीज एंड पैसा अमाउंट इन द पर्टिकुलर फील्ड. फॉर दैट वी हैव टू यूज द फ्लोट एट अ टाइम. फॉर कंसर्निंग अबाउट द डबल, वैन यू वॉन्ट टू स्टोर हैविंग द मल्टीपल वैल्यूज आफ्टर द डेसिमल्स, in that case you are preferring the double data type. So you should be able to decide what type of data type you have to use in the particular table. So here humne dekha humne ki kis type ke data types ki baat ho rahi hai. Humne basically hamare jo abhi aapko itne sare data type ka use nahi karna, hum jab data type koi bhi, main aapko ye bata do ki commonly kin data type ka hum use karne wale hain numeric ke andar jo hamare sabse zyada kaam aa sakte hain. Sabse main important jo kaam aata hai, hum generally integer use karte hain. कोई भी न्यूमरिक वैल्यू स्टोर करनी होती है तो इंटीजर या न्यूमरिक, ये सबसे मेन कॉमन है, इंटीजर या न्यूमरिक. उसके बाद जो सबसे कॉमन आता है इसके अंदर फ्लोट आता है, थर्ड वन इज द फ्लोट. अगर कोई परसेंटेज या अमाउंट को शो स्टोर करना है तो फ्लोट का यूज़ करता हूँ मैं. ये तीन के अलावा बुलियन है जो कि येस और नो में, और डबल जो कि ज़्यादा फ्लोट के बाद डेसिमल की वजह से ज़्यादा वैल्यू दिखानी मुझे तो डबल का यूज़ किया जाता है. ये कॉमनली यूज डाटा टाइप्स हैं हमारे जिनका हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं किसी भी टेबल के अंदर फील्ड को डिस्क्राइब करने के लिए. सो लगेन आई वॉन्ट टू क्लियर टू यू दैट वॉट आर द मेन डाटा टाइप्स विच वी आर यूजिंग फ्रिक्वेंटली इन क्रिएटिंग द टेबल. सो इट इज द इंटीजर, न्यूमरिक एंड फ्लोट, डबल एंड बूलियन. और भी हैं लेकिन बेसिकली इनके बारे में आपको बाय हार्ट रहना चाहिए वॉट आर द यूज ऑफ इट. सो मूव टू द नेक्स्ट. Yes, now the next one which is very important is the alphanumeric or the string data type. So what is mean by alphanumeric? If you want to store the value in the field which is basically a combination of numeric as well as the character, in that case it is the alphanumeric or string data type. So let me clear to you what are the different alphanumeric and string data type. So unke naam se jana jata hai, wo hai long, varchar, char, varchar, ignore case. सो इसका बेसिकली एक एक हम बारे में बात करते हैं. सबसे पहले उठाते हैं लॉन्ग वैरकेयर की बात करते हैं. इसको हम डाटा टाइप को जिस नाम से जानते हैं वो है मेमो डाटा टाइप. स्टोर अप टू द मैक्सिमम लेंथ और नंबर इंडिकेटेड बाय यूजर. इट एक्सेप्ट्स एनी UTF-8 करेक्टर. सो व्हाट बेसिकली मैं आपको क्लियरली कर दूं कि मेमो डाटा टाइप का यूज तब किया जाता है व्हेन वी वांट टू स्टोर
टेक्स्ट इन ए पर्टिकुलर फील्ड, वो टेक्स्ट हमारा बहुत हाई क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल एड्रेस है, एड्रेस मैं कंबाइन एड्रेस स्टोर कर रहा हूँ, मैं कंबाइन एड्रेस स्टोर कर रहा हूँ मैं, और कंबाइन एड्रेस बहुत बड़ा है मेरा एड्रेस है, उसके लिए मैं मेमो डाटा टाइप यूज़ करूँगा। एंड फॉर सिंपली इफ वन यू वॉन्ट टू गिव अ कमेंट, कमेंट बॉक्स के लिए भी क्या होता है, हम 180 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, फॉर हाई इतने सारे कैरेक्टर्स इतने सारे वर्ड्स के लिए हम मेमो डाटा टाइप का यूज़ प्रेफरेंस हमारा ज़्यादा अच्छा होता है। सो द नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टर एंड बेसिकली इट इज़ अ टेक्स्ट और कैरेक्टर और वेरकेर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है, वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैर एंड द वेरकेर। सो दोनों में बेसिकली अंतर क्या है मैं आपको क्लियर कर दूँ कि कैर जो होता है उसकी लेंथ फिक्स होती है, कैर में हम लोग लेंथ उसकी डिसाइड करते हैं, जैसे कैर ओपनिंग ब्रैकेट 4 एंड क्लोजिंग ब्रैकेट करके बंद कर दिया, तो कैर का जो मैक्सिमम साइज है कैरेक्टर इंसर्ट करने का वो 4 का हो चुका है। सो बेसिकली इट स्टोर एग्जैक्टली द लेंथ स्पेसिफाइड बाय द यूजर, यूजर जितनी लेंथ स्पेसिफाई करेगा कैर डाटा टाइप में उतने ही नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इट कैन स्टोर। सो नेक्स्ट है हमारे वेरकेर, बेसिकली वेरकेर का वी ए आर का जो मैं जैसे वेरकेर वेरकेर चिल्ला रहे हैं, इसमें वेरकेर वी ए आर क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल मतलब जिसको हम लोग कम ज़्यादा कर हो जाता है अपनी इच्छा से, वेरिएबल। सो वेरिएबल सी एच ए आर स्टैंड फॉर द करेक्टर, ये सी एच ए आर क्या है, करेक्टर है, सी एच ए आर इज अ करेक्टर, वी ए आर इज अ वेरिएबल। सो वेरकेर क्या होता है, भी टेक्स्ट होता है, बट इसमें एक अच्छी हमारे को सुविधा ये होती है स्टोर अप टू द स्पेसिफाइड लेंथ, हमारे बहुत अच्छी सुविधा है कि व्हेन वी आर डिसाइडिंग एनी फील्ड एज ए वेरकेर डाटा टाइप इन डेट केस, यदि हमारी एंट्री जो फील्ड में वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ यदि वो मेरे स्पेसिफाइड मेरे अंदाजे के लेंथ से यदि कोई ज़्यादा वैल्यू आ भी जाती है तो उस केस में सिस्टम अपने अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लेता है मेमोरी, मुझे उसके लिए कोई फ्री करना या इंगेज करने की जरूरत नहीं होती। वेरकेर इग्नोर केस की बात करते हैं, नेक्स्ट डाटा टाइप की स्टोर अप द स्पेसिफाइड लेंथ, ये भी स्पेसिफाइड लेंथ स्टोर करता है। सो बेसिकली क्या है, आर नॉट केस सेंसिटिव बट स्टोर द कैपिटल एज यू टाइप देम, सो बेसिकली ये सारी चीज़ों को इग्नोर केस कर देता है और सब चीज़ों को कैपिटल लेटर्स में स्टोर करके चलता है। सो हमने ये देखा कि अल्फा न्यूमरिक और कह सकते हैं स्ट्रिंग टाइप भी कहते हैं, वेन एवर यू वॉन्ट टू स्टोर एनी अल्फाबेट बेस्ड कंटेंट, सो फॉर डेट वी हैव टू यूज अल्फा न्यूमरिक एंड स्ट्रिंग डाटा टाइप। और इसमें जो सबसे मेन कॉमन सबसे ज़्यादा जो काम आते हैं वो ये दो डाटा टाइप हैं जिनका हम पूरे डाटाबेस में बात करेंगे, वो है कैर एंड वेरकेर। कैर स्टैंड फॉर द करेक्टर, वी आर वेरकेर स्टैंड फॉर द वेरिएबल करेक्टर। अगेन एक छोटा सा मेन डिफरेंस बता देता हूँ कि कैर का साइज फिक्स होता है, वेरकेर का साइज फिक्स नहीं होता, कैर को जितनी आपने साइज दी थी उतना ही उसमें डाटा इंसर्ट हो सकता है, वेरकेर के अंदर वो अपने अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लेता है, कम है तो कम जगह लेगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा जगह मिल जाएगी। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है कैर और वेरकेर के अंदर, बेनिफिशियल ज़्यादा वेरकेर होता है। सो दिस इज व्हाट बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द कैर एंड द वेरकेर एंड इज ए स्ट्रिंग डाटा टाइप। नाउ द नेक्स्ट डाटा टाइप इज द बाइनरी डाटा टाइप, व्हाट बेसिकली द बाइनरी क्या होता है, बाइनरी डाटा टाइप आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग द डाटा इन बाइनरी फॉर्मेट। व्हाट डू यू मीन बाय द बाइनरी फॉर्मेट, द बाइनरी डाटा टाइप इन द डाटाबेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग द फोटोज फाइल म्यूजिक फाइल्स एक्सेट्रा। So, in general, the files of any format can be stored using the binary data type and the different type of binary data types available are listed here. So, let me clear to you, dear student, it is not basically in your syllabus use of binary data type, but you should, implementation of the binary type is not in your syllabus, but you, that basically the introduction of binary type is in your syllabus. सो लेट मी टेल यू बाइनरी टाइप का यूज़ अब कहाँ किया जाता है, जब किसी भी ऐसा डाटा में स्टोर करना है जो कि बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है उसके लिए बाइनरी डाटा टाइप का यूज़ करते हैं। बाइनरी डाटा टाइप का यूज़ किन के लिए किया जाता है ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर मुझे अपने डाटा बेस में कहीं फोटो स्टोर करनी, जैसे आप कई बार देखते हो कि कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जहाँ से आपको आपकी फ़ोटो भी अटैच करने के लिए कहा जाता है, उस फोटो जो अटैच की जाती है उस फील्ड के अंदर जिस फील्ड में आप अपनी फ़ोटो अटैच करते हो वो फील्ड का जो डाटा टाइप डिसाइड किया जाता है वो डिसाइड किया जाता है बाइनरी। सो बेसिकली फोटो स्टोर करना है, यदि आपको म्यूजिक फाइल स्टोर करनी, इन सब के लिए बाइनरी टाइप का यूज़ किया जाता है। तीन टाइप के बाइनरी डाटा टाइप हमारे पास होते हैं, एक तो लॉन्ग वेयर बाइनरी, इसका फुल फॉर्म होगी लॉन्ग वेरिएबल बाइनरी, एंड बेसिकली इसको इमेज के लिए यूज़ किया जाता है, ये इमेज के काम आता है, एंड स्टोर एनी एरे ऑफ बाइट्स इमेज साउंड, नो वैलिडेशन रिक्वायर्ड, इसमें कोई वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास बाइनरी, ये बाइनरी फिक्स का होता है, स्टोर्स एनी एरे ऑफ बिट बाइट्स, no validation required, and the next is where binary, it stores any array of bytes, no validation required. So हमने कुल मिला के देखा कि binary का कुल मिला के सबसे important काम जो हमसे पूछा जा सकता है एक मार्क्स में, name the data type which is used for storing the photos and the music files. So answer will be binary
data type. Now the next data type is the date time. So let me first read for you. Date time data type are used for describing date and time values for the field used in the table of a database. Date and time data type in a database can be used for storing the information such as date of birth, date of admission, date of product sale, etc. The different type of date and time data types available are listed here. So what basically the date and time का concept क्या है? आप यदि कोई भी ऐसा table बना रहे हो जिसमें आपकी ऐसी field है जिसके अंदर कहीं ना कहीं आपको date को store की date value store करनी है या ऐसी field है जहाँ पे आपको time store करना है. For example मुझे student का arriving time, departure time ये मुझे show store करना है और student का date उस दिन की date store करनी है. तो इन सब के लिए मुझे date और time data type का use करना पड़ेगा. कैसे हैं उसके तीन type के date और time data types हैं. पहले बात करें date है, it store the month, day and year for information. जो date data type है वो किस में store करता है? तीन चीज़ store करता है, एक तो month, day and year. इसका जो format होता है वो होता है, सबसे पहले इसका month आता है, फिर day आता है, फिर year आता है. दूसरी बात करें टाइम की, टाइम अपने साथ क्या क्या स्टोर करता है? आर, मिनट एंड सेकंड इन्फॉर्मेशन. सो इट सिंस सेकंड सिंस दिस दिख रहा है आपके सामने. सो नेक्स्ट हमारे पास टाइम स्टैम्प, इट स्टोर द डेट एंड टाइम इन्फॉर्मेशन. यदि आपकी कोई ऐसी फील्ड है जिसमें आपको दोनों चीज एक साथ चाहिए, दैट इज किस टाइम पे और कितने बजे, मतलब कौन सी तारीख को कितने बजे, ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए. और फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू हैव द इन्फॉर्मेशन व्हेनेवर द स्टूडेंट has login into my portal. So in that time मुझे date भी चाहिए और time भी चाहिए. For that I will use a timestamp data type. So it is clear to you, तीन data type है, date for storing the date, time for storing the time, and date timestamp is used for storing the date and time in combination. So move to the next. Yes, now after having all the data types, let me clear to you with one example. So I have taken one example regarding sales and order, and in that I am having the six fields. The field number one is the order ID, the second one is the customer name, third one is the customer address, fourth one is the phone number, and the fifth one is the sale date, and the last one is the kitne item aapne brought ke. So six field hamare samne. So first, when we are creating the table, at the time we have to decide the data type of the table. तो डाटा टाइप कैसे डिसाइड करें, जैसे वैल्यू आपने स्टोर करी, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑर्डर नाम के सामने आपके एक टेबल है, उसमें कैसी वैल्यू स्टोर हो रही है वो हम किससे डिसाइड कर रहे हैं, उसके डाटा टाइप से स्टोर करें. फॉर एग्जांपल ऑर्डर आईडी में देखो आप सारी वैल्यू न्यूमरिक है, तो मैं इसको ऑर्डर आईडी जब बनाऊंगा इस फील्ड को तो उसके दो डाटा टाइप यूज कर सकता हूँ, आइदर इंटीजर और न्यूमरिक, दो टाइप के डाटा टाइप यूज कर सकता हूँ. दूसरा फील्ड देखते हैं कस्टमर नेम. कस्टमर नेम मैं उसको दो डाटा टाइप इसमें यूज कर सकता हूँ, डाटा टाइप मतलब दो टाइप के डाटा टाइप यूज कर सकता हूँ. एक तो कैर, इसको कैर टाइप का डाटा टाइप बना सकता हूँ, ये वेर कैर का भी बना सकता हूँ. कैर अगर मैं इसको फिक्स करना चाहता हूँ कि इतने से बड़ा मुझे नाम एक्सेप्टेबल नहीं है मेरे कस्टमर नेम में, तो उसके लिए हो गया. और वेर कैर यदि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना बड़ा नाम हो वो एंटर कर सकता है. नेक्स्ट बात अगर कस्टमर एड्रेस की बात करें, तो कस्टमर एड्रेस में अगेन मेरे पास दो ऑप्शन है करने के, दोनों ही केस में पॉसिबल है. वन इज द वेर कैर, जहाँ पे वेयर कैर हो गया, और दूसरा हो गया मेरे पास लॉन्ग वेयर कैर, डेट इज़ अ मेमो डाटा टाइप. क्योंकि एड्रेस कितना भी बड़ा हो सकता है उस केस में कोई दिक्कत नहीं है. द नेक्स्ट वन इज द फोन नंबर. मोबाइल नंबर के लिए न्यूमरिक डाटा टाइप यूज करते हैं हम, जनरली न्यूमरिक लिख लो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू होती नहीं मोबाइल नंबर की, आप सभी को पता है. नेक्स्ट वन इज द डेट. सील डेट के लिए मैंने यूज करा डेट डाटा टाइप यूज करा है, बिकॉज में डेट मुझे चाहिए उसके लिए. फिर नेक्स्ट है आइटम ब्रॉट. आइटम ब्रॉट मैंने अगेन इंटीजर में दिया है. सो ही इट इज़ एन एग्जांपल, जब आपने टेबल क्रिएट करा उसका स्ट्रक्चर के टाइम में आपको ये डाटा टाइप डिसाइड करने होंगे और उसी के अकॉर्डिंग फिर रिकॉर्ड इंसर्ट होगा. अगर आपने फॉर एग्जांपल इंटीजर न्यूमरिक को अगर आपने इंटीजर न्यूमरिक ना देके बाइनरी डिसाइड कर दिया, इन दैट केस इट विल नॉट स्टोर द एनी इंटीजर न्यूमरिक वैल्यू. सो लेट वी हैव टू वेरी केयरफुल एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल. और जैसा स्ट्रक्चर बनाया उसके स्ट्रक्चर के डाटा टाइप को याद करना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज कई बार हम जब रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं एरर शो करता है, हम सोचते पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी. बस प्रॉब्लम जो मेन होती है वो ये होती है कि जो आपने डाटा टाइप डिसाइड किया है वो डाटा टाइप आपको याद होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको डाटा टाइप के फील्ड के अंदर वैल्यू इंसर्ट करनी, तो आपको कोई एरर शो नहीं होगा. सो दिस इज वेरी फिजिबल वीडियो.
video for you to decide what type of data type we have to use for the fields in a table. So after this, I have given you an assignment. After watching this video, it will be easy for you to answer all that questions. So hope you will watch this video carefully. Thank you. We'll be right back.